अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पिनच मसाला वड़ा। स्पिनच मसाला वड़ा बनाने के मसाले आपको बता दूँ। यहाँ मैंने ली है पालक, दो मुट्ठी भर के पालक धोकर मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है फ्रेंड्स। फिर मैंने यहाँ ली है डेल लीव यानी सुई की भाजी, थोड़ा सा करी पत्ता, प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, हरी धनिया, कोथिंबीर, चावल का आटा और छोटे छोटे काजू मैंने यहाँ तल लिए हैं और यहाँ चने की दाल रात भर भिगोकर मैंने 1.5 किलो चने की दाल इस तरह से रखी है। अब मैं इस दाल को पीस कर नेक्स्ट स्टेप मिलती हूँ। मैंने यहाँ चने की दाल पीस ली है फ्रेंड्स और मैंने थोड़ी दाल ऐसी सारी सारी रखी है। अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज ऑनियन लेकर बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इस चने दाल में डालूंगी। ये मैंने हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ा मिक्सर में क्रश कर लिया है फ्रेंड, ये मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने कोथिंबीर ऐड कर दिया है, करी लीव्स को मैं ऐसे मोटा मोटा क्रश करके वड़े में करी लीव्स को ऐसे तोड़ के डालूंगी। फिर मैं यहाँ जो मैंने पालक काट कर धोकर रख ली थी वो मैं इसमें ऐड करूंगी। मसाले को हम पूरा इस तरह मिलाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हमने तमाम मसाले को चने की दाल में मिला लिया है, वो इस तरह होएगा फ्रेंड्स। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, चक्कर। फिर इसमें मैं एक मुट्ठी सुई की भाजी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें जो मैंने काजू छोटे छोटे पीसेस तल के रखे थे वो इसमें ऐड करूंगी। वो इसलिए कि जब वड़े तले काजू की थोड़ी सी हल्की मिठास और क्रंचीनेस आए, फिर मैं इसे क्रिस्पीनेस देने के लिए चावल का आटा 2 से 2.5 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पूरा वड़े का मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। स्पिनच यानी पालक, पालक बहुत प्रोटीन्स देता है और सुई की भाजी हमारे स्टमक के लिए ठंडिक है, बनाई है ये, तो इसलिए आज मेरी रेसिपी है। अब मैं इसको थोड़ी देर इसके 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे ताकि मसाले पूरे इसमें मिल जाए, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम यहाँ हमारे वड़े फ्राई करने की मीडियम फ्लेम पर रख कर प्रोसीजर को गरम कर लिया है। इस तरह से गोल गोल मैं वड़े को तेल में सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप बना सकते हैं घर में। ज्यादा क्राउड ना करें तेल में वरना वड़े
बिखर जाएंगे एक एक करके, हम स्टेप बाय स्टेप इसको बैचेस वाइज इसको फ्राई करेंगे। ये खाने में बहुत क्रंची होते हैं, इसमें पालक की बहुत सारी प्रोटीन्स सब है, और सारी हरी मिर्ची बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ क्रश करके हरी मिर्ची डाली है ताकि बच्चे भी खाएं, लिमिटेड, ज़्यादा तेज नहीं, मीडियम, सब खा सकते हैं। अब इसको ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, ट्राई करें घर में, ये मेरी खुद की रेसिपी है। देखिए फ्रेंड्स ये कैसे लाल मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैं सेकेंड बैच डालूंगी। बस रफली हाथों से इस तरह से चलाकर आप वड़े डाल दें। इवनिंग चाय के साथ आप इसका मजा ले सकते हैं। मसाले वाले स्पिनच वड़े और एक कप गर्मा गर्म चाय, वाओ, लाइफ में और क्या चाहिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने स्पिनच मसाला वड़े बना दिए हैं, आप भी इसको बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें गर्मा गर्म चाय के साथ। देखिए फ्रेंड्स कैसे क्रिस्पी, मैं इसको तोड़कर बताती हूँ। माशाल्लाह देखिए कैसे क्रिस्पी, क्रंची और हरे भरे बने हैं। आप बनाइए इसको फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखें, मज़ीद मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, आगे मेरी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, दुआओं में मुझे याद रखना फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।